हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आज किसान आंदोलन का 31वां दिन है और 31वें दिन ऐसे आसार बन रहे हैं कि इस विवाद का शायद कोई हल निकल सकता है, क्योंकि किसान संगठन सरकार की तरफ से समाधान की अपील पर बैठक करने वाले हैं। किसान संगठनों ने यह संकेत दिए हैं कि वो तय करेंगे कि आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति उनकी क्या रहेगी। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के प्रदर्शन को आज 31 दिन हो गए। पूरे एक महीने पहले 26 नवंबर को अन्नदाताओं ने दिल्ली कूच किया था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली बॉर्डर पर रोक दिया गया। तब से आज तक अन्नदाता बॉर्डर पर डटे हैं और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। एक महीने पीछे नजर डालें तो तब नवंबर की सर्दी इतनी नहीं चुभती थी जितनी कि आज 26 दिसंबर की सर्द हवा चुभती है। सिंघू, टीकरी, गाजीपुर बॉर्डर में पिछले एक महीने में टेंट और ट्रैक्टर में किसानों की पूरी गृहस्थी बस गई है। सड़क पर रात गुजार रहे किसान सर्द हवाओं की चपेट में आकर भले ही एक पल को कांपने डोलने लगते हों, लेकिन उनके इरादे अभी नहीं डगमगाए हैं। उधर किसान यूनियन ने सरकार की नई पेशकश पर विचार करने के संकेत दिए। यूनियनों ने कहा है कि आज एक और बैठक होगी जिसमें ठहरी हुई बातचीत को फिर से शुरू करने के लिए केंद्र के नियोते पर औपचारिक फैसला किया जाएगा। वहीं आज प्रदेश में टोल प्लाजा को फ्री करने का दूसरा दिन है। आज और कल प्रदेश में टोल फ्री रहेंगे। शुक्रवार को प्रदेश में इसका मिला जुला असर देखने को मिला। आज सुबह सोनीपत में केजीपी, केएमपी और मूर्थल टोल को दूसरे दिन भी फ्री किया गया। कल से टोल फ्री हुआ, 25 तारीख से 25, 26, 27, 3 दिन तक टोल फ्री रहेगा। तो जो वाहन जा रहे हैं किसी प्रकार का टोल लिया जा रहा है उनसे? नहीं, कोई टोल नहीं लिया जा रहा है सर, बिल्कुल फ्री है। बिल्कुल फ्री है, और किसानों का तो पहले ही फ्री था, आम आदमी का टोल कट रहा था, लेकिन अब आम आदमी का ही फ्री हो गया दो दिन से। टोल है सर यहाँ पर, कल से ही टोल फ्री है, ना ही कोई ऑपरेटर है बूथ में, सभी ऑपरेटरों की छुट्टी कर दी गई है। लगातार ही कंपनी को घाटा हो रहा, कम से कम अर्निंग, एक दिन की अर्निंग 60 या 70 लाख की है, इससे बहुत नुकसान हुआ कंपनी को। पंचकुला में भी टोल प्लाजा फ्री करने का असर देखने को मिला। शुक्रवार से ही यहाँ कालका शिमला हाईवे पर इससे टोल प्लाजा को फ्री कराया गया था। यहाँ किसानों ने कृषि कानूनों को वापस देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। किसान आंदोलन के 31वें दिन एक दुखद समाचार भी सुनने को मिला, जिसमें 32 साल के किसान की हार्ट अटैक से टीकरी बॉर्डर पर मृत्यु हो गई। ये किसान कैथल का रहने वाला था, जिसका नाम अमरपाल था। फिलहाल अमरपाल के पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम करवा दिया गया है और आज शाम तक उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। गाँव वालों की मांग है कि अमरपाल को शहीद का दर्जा दिया जाए और परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जाए। बीते एक महीने से जारी गतिरोध पर आशा की जा रही है कि अब इसका अंत हो सकता है। आज किसान संगठन सरकार की तरफ से की गई आंदोलन खत्म करने की अपील पर फैसला ले सकते हैं और इस विवाद को खत्म करने का कोई बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो किसान आंदोलन का 31वां दिन है और एक महीना हो चुका है, तो ऐसे में अब ये उम्मीद की जा रही है कि शायद आज होने वाली किसान संगठनों की बैठक के बाद इस पर कुछ विचार किया जा सकता है। बातचीत के सिलसिले को जो अभी तक रुका हुआ था, गतिरोध जो बना हुआ था, शायद वो खत्म हो सकता है और आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किसान संगठन नेता करेंगे तो उस पर बात वो साफ करेंगे कि आगे सरकार के साथ बातचीत की जाएगी या फिर नहीं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ तीन दिन, क्योंकि किसान संगठन नेताओं की तरफ से यह ऐलान किया गया कि तीन दिन 25, 26 और 27 दिसंबर को टोल फ्री किए जाएंगे, जिसमें इससे पहले दिन अब लगातार कोशिश हमारी भी यही रही थी कि जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने रखें, हालांकि मिला जुला इसका असर देखने को मिला था। लेकिन जरा अब आपको आज की तस्वीरों के बारे में भी बताते हैं। आज इसका जब आह्वान किसान संगठन नेताओं की तरफ से किया गया है तो क्या अभी तक तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जरा वो भी समझ लेते हैं। झज्जर टोल से हमारे संवाददाता रमाकांत मित्तल सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। रमाकांत, आज क्या इस पर जानकारी है और टोल फ्री का ऐलान आज भी किसानों का है, क्या इसका असर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, झज्जर जिले में जितने भी टोल पड़ते हैं वो पूरी तरह से फ्री है। इस समय झज्जर के डीगल जो गांव है उसमें हम खड़े हैं और ये पानीपत चंडीगढ़ हाईवे है और यहां पर पूरी तरह से ग्रामीणों ने और अलावत खाप के प्रतिनिधियों ने पूरी तरह फ्री करा दिए गए। मैं कैमरामैन को बताऊंगा कि यहां पर ग्रामीण 24 घंटे यहां रुके हैं ताकि रात को भी ये जो टोल कर्मचारी है ये किसी तरह से टोल ना काट सके। इन लोगों ने एहतियात बरते, उनके लिए खाने की व्यवस्था की गई, यहां पर सोने की व्यवस्था की गई। अलावत खाप के प्रतिनिधि हमारे साथ है डिम्बे जी, 24 घंटे आप लोग यहाँ पूरी तरह मुस्तैद है ताकि टोल कर्मचारी किसी तरह से टोल ना काट सके। टोल कर्मचारी तो
मैं रमाकांत जी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँ, टोल कर्मचारियों ने हमारे को कोई दिक्कत नहीं करी है, ना कि हमारा सहयोग कर रहे हैं। और सारा व्हीकल कैश लाइन से चल रहा है, नहीं किसी फास्टैग हमने बंद करा दिया था, इन्होंने तुरंत प्रभाव से बात हमारी मान ली थी, और सभी कैश की लाइन से जा रहे हैं। दूसरी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, मैंने कल हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी का भाषण सुना था, तो मैं उनको हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे किसान भाइयों को वामपंथी ना कहें, या इस तरह की भाषा का प्रयोग करके हमारे किसान भाइयों का अपमान ना किए कहें, और आप मेरी आवाज को मोदी जी मेरी आवाज को आप पीएम तक पहुंचाएं। जी जी बिल्कुल, आप लाइव हरियाणा न्यूज पे चल रहे हैं, जो भी बातें हैं वो हमारे चैनल बिना एडिट करे वो सारी चीजें करता है। मैं आपको बता दूं कि लगातार किसान अपनी जो मांग सरकार के तरफ रख रहे हैं, सरकार भी कह रही है कि हम लोग मांगे मानने के लिए तैयार है, तो कहां पेच फंसा है आपको क्या लगता है? रमाकांत जी पहले तो मैं आपको वही बात क्लियर करूं, मैंने कल मोदी जी का भाषण सुना था, तो मेरी सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट है, अगर किसानों का अपमान ना किया जाए वामपंथी कह के, सब किसान भाई हैं यहाँ पे और सब अपने दुख दर्द में बैठे हैं, कोई भी सब शरीफ आदमी है, सब अपने दुख दर्द में, जमींदार तो वैसे ही गरीब है, और किसान को मानने में कोई आपत्ति नहीं। ये तीनों काले कानून रद्द कर दें मोदी जी, या इसमें किसान भाइयों की राय लेके इसमें संशोधन कर दें, और एमएसपी पे कानून बना गए, एमएसपी पे एक्ट बना गए, स्पेशल कानून बना दे, एमएसपी की गारंटी दे दे, तो किसान की फसल बर्बाद ना हो, किसान की फसल ठीक भाव में चली जाए, और किसान अपने दर्द में यहाँ बैठा है। किसान को डिम्पी आप लगातार किसानों की मदद कर रहे हैं, चाहे फाइनेंशियली भी हो, 51,000 रूपए अभी आप राकेश टिकैत जब पहुंचे थे तो आप लोगों ने उनको भी कंट्रीब्यूट किया था, तो एक खुशी सी महसूस होती है अपने भाइयों की इस टाइप की मदद करके भी आप लोग लगातार। मैं आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूँ, जब हम अपने भाइयों को देखते हैं, पंजाब से हमारे भाई यहाँ आए हैं, और तो अपना दिल भराता है, हम क्या करेंगे ऐसी प्रॉपर्टी का, और कुछ ऐसे ऐसे भाई है मेरे बीच में जिन्होंने अपने किसी ने प्लाट बेच के भी यहाँ पैसे दिए हैं, किसी ने अपने गेहूं बेच के, किसी ने बाजरा बेच के, तो हम ऐसे पैसे का क्या करेंगे, जो अपने भाइयों की मदद नहीं कर पाए तो इस पैसे का हम क्या करेंगे रखे, और हम जितनी भी मदद हो सकेगी, चाहे अपनी प्रॉपर्टियां तक बेचनी पड़े, तो भाई मेरा तो मन करता नहीं पीछे हटने का। और जैसे मेरे भाई हैं, देखो ये सभी भाई हैं, इन्होंने अपना जवार बाजरा बेच के, जैसे ये खड़े, इन्होंने अपना बाजरा बेच के सारे पैसे धरने में दिए हैं, और भाई हैं उनके पास चने थे, उन्होंने अपने 4 बोरी चने धरने में दे दिया, तो इस पैसे का हम क्या करेंगे, तो अपने भाइयों की मदद नहीं कर पाए। बहुत बड़ी बात है शुभेंदु कि अपने जो अपनी जो धान हो चने हैं उसकी फसल बेचकर भी ये लोगों की मदद कर रहे हैं। दीपक लगातार तीसरा दिन टोल बंद रहेंगे, दूसरा दिन है आप लगातार किसानों पर आप बैठे हैं, 19 दिन आप टीकरी ढांचा बॉर्डर पर भी बैठे हैं, कहाँ पर पेच फंसा हुआ है सरकार का, क्या ऐसी चीजें रह गई है वो आप बताएं। देखिए सरकार की मंशा साफ नहीं है, सरकार को ये तीनों काले कानून रद्द करने चाहिए। कल हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना, हम ये बोलते हैं हम लोकतंत्र को प्रजातंत्र को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम आईन सा पर चलने वाले लोग हैं, हम शांतिपूर्वक बैठे हैं, हम जंतर मंतर जाना चाहते थे, जंतर मंतर दिल्ली में सबका प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, हमको वहां नहीं जाने दिया गया। पहले हरियाणा सरकार ने जगह जगह रोड रोक के, रोड खोदे, आंसू गैस के गोले चलाए, डंडे मारे, फिर यहां पर टीकरी बॉर्डर पर, अब मजबूरन हम सब किसान वहां पर बैठने को, इतनी ठंड में लाखों करोड़ों किसान इतनी ठंड में बैठा है। मेरा मोदी जी से निवेदन है कि आप उनकी भावना को समझें और इन तीनों काले कानूनों को रद्द करें। एक और युवा साथी हमारे साथ हैं जनाब, स्टाइलिश दाढ़ी, शायद नरेंद्र मोदी से इंस्पायर हैं या उनके प्रति कुछ और मैसेज। बिल्कुल नरेंद्र मोदी से बिल्कुल इंस्पायर नहीं हूँ, मैं रोहतक बार में प्रैक्टिस करता हूँ, रोहतक बार एसोसिएशन एडवोकेट हूँ, पूरा उपप्रधान भी रहा हूँ मैं रोहतक बार से, रोहतक जज्जर दोनों बार में जो है ना प्रैक्टिस करता हूँ 2 दिन या, तो रोहतक बार ने तो पहले ही समर्थन कर रखा है, और जज्जर बार की तरफ से दोबारा भी अगर किसी भी प्रकार का कोई भी किसान भाइयों के ऊपर केस होता है
तो वो फ्री लड़ेगी रोहतक और झज्जर बार। जी हाँ जी, जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि एडवोकेट साहब थे ये कह रहे हैं कि किसानों के ऊपर जो भी सरकार की तरफ से मुकदमे होंगे वो झज्जर बार हो या फिर रोहतक बार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर लड़े जाएंगे। जी शुभिंदु, बिल्कुल रमाकांत, मैं जरा वापस लौटता हूँ आपके पास, लेकिन हमारे जो संवाददाता है लाजपत वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। लाजपत, आज किसान संगठन नेताओं की एक बार फिर से बैठक होने जा रही है और आज ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि क्योंकि इससे पहले तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को एक अपील की थी कि बातचीत के सिलसिले को रोकना नहीं चाहिए, बात आगे बढ़नी चाहिए, इसको लेकर के आज क्या नजर आ रहा है? क्या बैठक में इस बात को लेकर के सहमति बन सकती है कि चर्चा को रोकना नहीं चाहिए, कम से कम वो तो जारी रहनी चाहिए? रणनीति बनाते हैं और इस रणनीति पर ही पूरा का पूरा आंदोलन चल रहा है, जिसको लेकर सरकार को भी मंथन करने की जरूरत है। लोगों से सत्ता जरूर जारी रखनी चाहिए ताकि लोग शांति बनाए रखे और लगातार इस आंदोलन पर सत्ता जारी रहे। कोर्ट में भी मैटर है, कोर्ट में भी सुनवाई है, दोनों पक्षों को कोर्ट में बुलाया जाता है और लगातार जो आंदोलन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि आपको बता दें कि मेरे पीछे जो है ये टोल है और काफी लंबा टोल है, ये केएमपी से टोल है और जो केएमपी टोल है इस टोल को अगर बात अंदाजा रखा जाए तो इस केएमपी पर 12 टोल है, 12 टोलों की बात करें तो 12 के 12 टोल है वो फ्री है और फ्री जो किसानों के आह्वान पर फ्री किए गए हैं। वैसे सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं है ये, लेकिन जो किसानों ने आह्वान किया था किसानों की चेतावनी को लेकर फ्री प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है प्रशासन ताकि कोई नुकसान ना हो और 12 के 12 टोल फ्री है। केएमपी पर हम मौजूद है जो कि दिल्ली के चारों साइड के अलग अलग स्टेटों को जोड़ता है, यूपी राजस्थान और हरियाणा और तीनों चारों स्टेटों को जोड़ने वाला ये रोड है जिससे अब आवागमन ज्यादा रहता है, जिससे कि दिल्ली के जो एंट्री है वो भी यहीं से होती है। इसी रोड से राजस्थान जाया जाता है, इसी रोड से यूपी जाया जाता है। इस पर करीब 12 टोल है, 12 के 12 फ्री है जिससे हमने बातचीत की, जिसने भी बताया 12 के 12 टोल फ्री है। तो ये कहीं ना कहीं काफी बड़ा घाटा भी है और किसानों का आह्वान भी है तो इसके पर भी मंथन करने की जरूरत है। लोगों से हमारी बातचीत जारी है, किसानों से भी बातचीत जारी है। किसानों ने भी कहा है जब तक जो अध्यादेश बिल जो 3 बिल लाए गए थे उनको रद्द करने के लिए जो किसानों ने जिसका नाम रखा है काला बिल, हम काला बिल नहीं कह सकते क्योंकि किसानों ने रखा है और जो अध्यादेश जो 3 बिल लाए गए थे उनको रद्द करने की लगातार मांग है और उस पर मंथन करने की भी जरूरत है। लगातार बैठक जारी रहती है और जो किसान है वो धरने पर बैठे रहते हैं और जो जत्थाबंदी है जो इस पूरे धरने को चला रहे हैं, जो पूरे इस आंदोलन को चला रहे हैं उनकी एक गुप्त मीटिंग रहती है जहाँ पर मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया जाता क्योंकि काफी चर्चाएं ऐसी होती है जो मीडिया के सामने भी नहीं बताई जाती, ये गुप्त रखते हैं। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें कुछ खुलासा करते हैं, वहां पर भी कुछ चुने हुए पत्रकारों को बदनाम दिया जाता है, अदर वहां पे भी मीडिया को कम जाने दिया जाता है। तो ऐसे में लगातार है आंदोलन जो गुप्त रखकर तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर सिनंदु यहाँ के आसपास की बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र काफी बड़ा है, औद्योगिक क्षेत्र की भी दहशत बनी हुई है, जो फैक्ट्री मालिक है जो दिल्ली से आवागमन करते थे उनके अंदर एक डर का माहौल लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। और अगर मध्यम परिवार की बात करें, लेबर की बात करें तो लेबर भी यहाँ से पलायन करती हुई नजर आ रही है और लगातार जो है औद्योगिक फैक्ट्रियां भी अब लगातार बंद होती हुई नजर आ रही है क्योंकि बंद इसलिए कि जो उनका जो आवागमन का जो सामान था उस पर भी काफी किल्लत होती हुई नजर आ रही है क्योंकि जो सिंघू बॉर्डर है बिल्कुल दिल्ली के नजदीक है क्योंकि दिल्ली नजदीक सिंघू बॉर्डर है और वहीं से दिल्ली से आवागमन लगातार देखने को मिलता था जो कि देश का सबसे बड़ा हाईवे है जो पाकिस्तान तक को जोड़ता है। दिल्ली से निकलते ही पाकिस्तान तक की गाड़ियां इस पर चलती थी जिसको रोक रखा है और जो दिल्ली से आवागमन था जो बिजनेस था वो कहीं ना कहीं ठप होता हुआ नजर आ रहा है। जो व्यवसाय है व्यापार है उस पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है, नुकसान इसमें काफी हद तक देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े लाजपत, इस पर जानकारी आपने दी, लेकिन जरा मैं रुक कर लेता हूं हमारे जो संवाददाता रमाकांत हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं उनका रुक कर लेता हूं। रमाकांत, लेकिन मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कहा गया कि टोल प्लाजा को आप फ्री करके ना तो इससे लाभ हो रहा है ना कोई हानि हो रही है,
क्योंकि अगर आपने आज टोल को फ्री कराया है तो आने वाले समय में, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आगे आने वाले समय में जितने दिन आपने अभी गतिरोध किया है उतने दिन आगे जाकर के उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, यानी कि ये जो टोल है अभी आपने बेशक फ्री करा दिया 3 दिन, आगे जब इसकी अवधि खत्म हो जाएगी उसके 3 दिन बाद तक ये ऐसे ही चलता रहेगा, तो यानी कि इसका नुकसान तो किसी भी तरीके से कंपनियों को तो होगा नहीं, इस पर किसान क्या कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल, जी जी मैं आपकी बात कर रहा था। मुख्यमंत्री ने कल ये बयान दिया है कि जो ये टोल आप लोग फ्री करा रहे हैं ये एग्रीमेंट किया गया है, अगर 3 दिन ये बंद रहेंगे तो 3 दिन उनको इंप्लीमेंट करते, उससे कहीं ना कहीं ये इन लोगों को नुकसान नहीं होने वाला, आम जनता को कहीं ना कहीं नुकसान होगा, उससे आप क्या सहमत व्यक्त? देखिए नुकसान तो किसानों को हो रहा है, अपने काम के समय में यहाँ बैठे हैं, इतने दिन तो अपने परिवार को छोड़े बैठे हैं, उनको वो जंतर मंतर जा रहे थे, अगर वो अपने ये कानून वापिस ले लें तो कितना नुकसान आप किसानों का हो रहा है, आप किसानों के नुकसान को भी देखें, तो इस तरह के ये कानून आप वापिस लो, मैं मुख्यमंत्री साहब से ये निवेदन करना चाहता हूँ। टोल फ्री करने से क्या सरकार के ऊपर जो है वो प्रेशर बनेगा, आप लोगों को लगता है? देखो जी हमारा इस प्रेशर की बात नहीं, किसान परेशान है, और हमारे हेडक्वार्टर से आदेश था कि भाई टोल फ्री किए जाए 3 दिन, तो ये टोल फ्री करके हमने अपनी एकता का परिचय दिया है, हम एक हैं, हमारे अंदर कोई फूट नहीं, और वामपंथी वगैरह कह के प्रधानमंत्री से भी मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बताया है हमारा अपमान न किया जाए, जैसा आदेश हेडक्वार्टर से होता है हम उसकी पालना करते हैं, और खाली ये दर्शाने के लिए है ये बात है कि हमारी एकता है, एक ही बात चलती है, जो जो सिंधु बॉर्डर से जो बात आती है वही, जैसे बीच में 11 आदमियों का हमारे ऊपर से आदेश आया था 11 आदमी भूख हड़ताल करेंगे व्रत रखेंगे, तो उसी हिसाब से हमने, जैसे हम डासा बॉर्डर पे बैठे थे तो उसकी पालना की, तो उन उसी हिसाब से हम चल रहे हैं, जो आदेश ऊपर से आ जाता हम उस पे फॉलो करते हैं। ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन लोगों को लगता है कि क्या किसानों के नुकसान का मुख्यमंत्री को नहीं लगता, कि मुख्यमंत्री को ये भी सोचना चाहिए कि लगातार इस समय गेहूं की खेती होनी थी, किसान भी तो रोड पर बैठे हैं, उस बात का नुकसान उनको दिख गया है लेकिन किसानों के नुकसान को बिल्कुल उन लोगों को नहीं दिख रहा। और मैं शुभेंदु एक चीज और दिखा दूं कि एक पोस्टर है किसान संगठन की ओर से, जीतेगा किसान जीतेगा हिंदुस्तान, इस तरह के उन्होंने रोजी रोटी बचाने की लड़ाई है, और साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस ने जो हमारे रुकावटें पैदा करी वो पूरी तरह विफल हो गई है, और बदनाम करने की जो साजिश है हमें कभी खालिस्तानी बताया जाता है, जैसे मेरे साथी बता रहे थे उन्होंने कहा कि हमें अलग अलग उसमें खेमों में ना बांटे, साथ ही उन्होंने SYL पर भी निशाना साधा है कि अब क्यों पानी याद आ गया, इससे पहले उन्हें पानी क्यों याद नहीं आया था, साथ ही उन्होंने कहा है कि ये किसानों की लड़ाई है, इसे किसी जाति विशेष में ना बांटे, जाति से ऊपर किसान है, जो भी किसान किसानी करता है उसकी कोई जात धर्म नहीं होती, तो सरकार को ये साफ संदेश देना चाहते हैं, हम एक हैं एक रहेंगे जब तक इन तीनों को आगे बढ़ाया जा रहा है ब्रह्माकांत। लेकिन जब प्रधानमंत्री की तरफ से आह्वान किया गया और आज भी जब किसान संगठन नेताओं के मुख्य धरना स्थल यानी कि सिंगू बॉर्डर पर जब बैठक होगी तो संभावनाएं आज लगती हैं, जो अलग अलग प्रदेश के अलग अलग इलाकों पर जो किसान या फिर अन्य जो संगठन है जो कि इस आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं, वो क्या इस बात को समझ पा रहे हैं कि आगे 3 कृषि कानूनों को निरस्त करके ही किसानों के हित में कोई बड़ा फैसला हो सकता है, या फिर अगर संशोधन कर दिया जाए तो उससे कहीं बात बन सकती है? बहुत सारे ऐसे और भी मुद्दे हैं, सरकार की तरफ से पेशकश की गई थी कि अगर आपको कहीं और भी आपत्ति है तो उनको भी आप जुड़वा सकते हैं, अगर आपको कहीं और भी परेशानियां आ रही हैं तो उसमें भी सुधार के आप कदम इस संशोधन के दौरान बातचीत के दौरान रख सकते हैं। बातचीत आगे बढ़ने को लेकर के क्या कह रहे हैं किसान, बढ़नी चाहिए या नहीं? बिल्कुल, इन्होंने कहा है कि साफ तौर पर कहा है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, और MSP की जो ये बात है कि वो सिर्फ सरकार ये सुगोफा छेड़ रही है, MSP पर हमारी कोई भी बात नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारा जो मेन पॉइंट है सिंगू बॉर्डर, जैसे ही हमें वहां देश आएंगे वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे, 72 घंटे के टोल की बात हो या फिर MSP की बात हो या कोई भी चीज हो, ये सिंगू बॉर्डर पर नजर गड़ाए हुए हैं, क्योंकि जो भी पॉइंट यहाँ पर लगाए हुए हैं हरियाणा में हो या कहीं भी हो उनका हेडक्वार्टर है सिंगू बॉर्डर। सिंगू बॉर्डर पर जो भी नेता है जो डिस्कस करेंगे या उनकी मीटिंगें होंगी यहां तक वो मैसेज पास आउट हो जाएगा और उन्हें ही ये किसान फॉलो करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि MSP पर अगर गारंटी दे, जो जो भी तथ्य है उस पर अगर ये दे तो शायद बात बन सकती है, 2 कदम वो चले 2 कदम हम चले तभी बात बनेगी। लेकिन
सरकार अगर अपने अड़ियल रवैया अपना के रखेगी तो बात बिल्कुल नहीं बनेगी शुभेंदु। ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि कृषि अध्यादेश अगर गलत है तो पूरी तरह निरस्त भी कर सकती है सरकार, लेकिन क्यों अड़ियल रवैया अपना के रखे वो इन बातों का वो कहीं ना कहीं वो चीजें करे। और साथ साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कहा है, मुख्यमंत्री भी जैसे मनोहर लाल ने कहा है कि इस तरह के नाटक चल रहे हैं, इस तरह की जो बातें वो करते हैं उससे कहीं ना कहीं किसानों को हार्ट होता है। रमाकांत, किसानों से जरा ये भी जानिए कि आगे की रणनीति क्या है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम है और किसान संगठन नेताओं की तरफ से ये पहले ही ऐलान किया जा चुका है कि इस मन की बात कार्यक्रम का वो विरोध करेंगे, ताली थाली बजाएंगे। क्या इस पर बाकी के किसान कह रहे हैं, जरा उनसे पूछिए, जानिए। जी दीपक, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे और किसान नेताओं ने कहा है कि हम थाली बजाकर इसका विरोध करेंगे, क्या इस तरह की कोई भी रणनीति है? देखिए, मैंने पहले भी कहा हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात ना करके हमारी तरफ देखें, हमारा नुकसान कितना हो रहा है। एक ट्रैक्टर दिन का 5,000 रुपए कमाता था भाई, एक छोटा किसान है वो न्यूमाल्य जमींदारी के ऊपर भी, और भाई वो उसका घर पर पशु भी है, पशु पर पशु के ऊपर भी निर्भर है, वो वहां पर अपने आज रोड पर बैठा है तो न्यूमाल्य घर ने कौन संभालेगा, और एक साल में या खेती की पूंजी आवा है तो कैसे काम चलेगा। मन की बात का मन करेंगे, मन की बात ना करें मोदी जी, मोदी जी जो काले कानून है इनको रद्द करें, हमारे ऊपर ना थोपे, थोपने जब जबरदस्ती थोपने क्या जरूरत है, जब हम मना करने लग रहे, अब भाई हम ऐसे ठीक सा, हम बढ़िया हाँ अपनी जगह, बढ़िया हमारा काम चल रहा, बढ़िया हमारी किसानी चल रही है, फिर क्या जरूरत पड़ेगी भाई जबरदस्ती हमारे ऊपर कानून थोपने की। कोई मन की बात नहीं हम नहीं सुनना चाहते, मन की बात हम यह सुनना चाहा कल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एक संशोधन रद्द हो गई। मन की बात को तो हम तब सुनेंगे भाई साहब, किसानों के हित में फैसले कर दें और किसानों की सारी बातें मान लें तो बैठ के हम मन की बात भी सुन लें उनकी। और लेकिन किसान ऐसे रोड़ों पे रहेगा तो हमारे को कहां तो मन की बात अच्छी लगेगी। किसान भाई रोड़ों पे बैठे हैं, उनका दुख दर्द तकलीफ ये मोदी जी को दिखाई नहीं दे रहा। अन्नदाता को नाराज करना बहुत ही गलत बात है। मोदी जी को तुरंत प्रभाव से हठ धर्मिता छोड़ के मान जाना चाहिए, किसान के साथ बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है। मेरी उनसे हाथ जोड़ रिक्वेस्ट है कि तीनों काले कानून रद्द कर दें और किसान की बात मान ले। किसान नाराज होने में देश को भी भारी संकट से गुजरना पड़ेगा, पूरे देश को नुकसान है ये, और किसान की बात तुरंत प्रभाव से मान लेनी चाहिए। तीनों काले कानून रद्द करके एमएसपी पे एक्ट बना दें और किसान के लिए कोई और अच्छी चीज ले गए। 2014 में मोदी जी ने भूमि अधिग्रहण बिल वापिस ले लिया था, हमने उसका स्वागत किया था, हमने उनकी नीति तो जब बवेरा पार्टी की थी किसान विरोधी है, लेकिन उस समय उन्होंने वापिस ले लिया तो हमने स्वागत किया। ये फिर इन तीनों काले कानूनों ने मोदी सरकार वापिस ले ले, मन की बात ना करे, हम बहुत स्वागत करांगे। मेरे देश का अन्नदाता आज बहुत मजबूर है, सड़का बैठा है, भूखा बैठा है। मन की बात ना करके किसानों की बात करे और इनको वापस ले ले। जी जी शुभेंदु, लगातार ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात ना करके किसानों की बात करें और वो काफी प्रसन्न होंगे। साथ ही उन्होंने कहा हम लोग मन की बात भी सुनेंगे अगर वो किसानों की अन्नदाताओं की बात सुने। और साथ ही उन्होंने कहा 2014 में जो भूमि अधिग्रहण बिल लाए गए थे और उसको जब निरस्त किया था हम लोगों ने स्वागत किया, अगर वो इस काले कानूनों को भी अगर निरस्त करेंगे तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक अभिनंदन करेंगे और स्वागत भी करेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रमाकांत, इस पर आपने जानकारी दी है। और आपने आप झज्जर के अंदर क्या अभी तक हलचल चल रही है, टोल प्लाजा आप किसान संगठन नेताओं के द्वारा फ्री किया जा चुका है, इसको लेकर के भी पूरी आपने जानकारी दी। और आप किसान संगठन नेताओं और जो अलग अलग सामाजिक संगठन हैं या खापे हैं जो लगातार इस आंदोलन का अपना समर्थन दे रही हैं, उनसे भी लगातार उनकी बातें क्या हैं, क्या वो इस पर कहना चाहते हैं, क्योंकि अभी बीते रोज की रणनीति क्या रही, उसकी तस्वीरें क्या रही वो हमने आपको दिखाई हैं। और आज टोल प्लाजा पर क्या अभी तक कितना असर इसका देखने को मिला है वो लगातार तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय यानी कि कल जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को संबोधित करेंगे मन की बात कार्यक्रम के जरिए, तो उस वक्त की क्या अभी तक हलचल है जरा वो भी जान लेते हैं। गगन हमारे संवाददाता पिहोवा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनसे भी जान लेते हैं कि पिहोवा के अंदर हलचल क्या है। गगन, अभी तक जानकारी क्या मिल रही है और आज अभी तक टोल प्लाजा को फ्री किया गया?
कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोल प्लाजा एकदम फ्री है और जो किसान यहाँ पर बैठे हैं कि उन्होंने वो अपनी बात रख रहे हैं कि जो सिंधु बॉर्डर से आदेश मिलेगा वही यहाँ पर मान्य होगा। जिस प्रकार से टोल को 3 दिन के लिए फ्री किया गया है तो 3 दिन दिन रात टोल फ्री रहेगा। गगन, लेकिन कल भी आज की रणनीति जो है साफ की जा चुकी है, टोल प्लाजा फ्री किया गया है, लेकिन कल जब 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री मन की बात करेंगे तो विरोध जाहिर करने के तौर पर क्या रणनीति इसको लेकर के किसान संगठन नेताओं ने अपनाई है और दूसरे जो सामाजिक संगठन है या खापे हैं वो इसको लेकर के कैसे इस आंदोलन को तेज करेंगे? देखिए, किसानों द्वारा ये बताया जा रहा है कि आगे की जो जो रणनीति बनेगी वो सिर्फ जो ऊपर बैठे सिंधु बॉर्डर पर बैठे उनकी रणनीति के अनुसार ही चलेगा। जिस प्रकार वो किसान नेता आदेश करेंगे वो उनके लिए सर्वमान्य होगा। आप गगन जरा तस्वीरें भी दिखाइए, आप टोल के आसपास भी थे और आपने इससे पहले भी जानकारी पहुंचाई थी कि हलचल इस वक्त क्या है, जरा तस्वीरें दिखाइए कि उनकी दिखाए। देखिए हलचल आप देखेंगे कि किस तरह से किसानों का पूरा जड़ यहाँ पर सभी सुबह से ही यहाँ पर किसान मौजूद है। आपको दिखाना चाहेंगे हमारे साथ कुछ किसान साथ भी मौजूद है तो देश था जो हमारे जथेबंदियों ने फैसला किया था हम उस पर पहरा दे रहे हैं, पूरा शांतिपूर्वक तरीके से खड़े हैं, रात भी यहीं थे और 3 दिन पूरा पहरा देंगे। देखिए जिस तरह से किसान बता रहे हैं कि ऊपर जथेबंदियों को जो भी उनके आदेश आएंगे उसको लेकर वो सर्वमान्य होगा। बिल्कुल, और वही सर्वमान्य होगा जो मुख्य धरना स्थल से उनको कहा जाएगा। बहुत शुक्रिया गगन इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन सरकार की जो अपील है उस अपील के जरिए क्या किसान संगठन नेता उस अपील पर सहमति अपनी जता पाएंगे, क्या आज की इस बैठक में सहमति संभव होगी, बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन बैठक खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किसान संगठन नेता क्या कहते हैं इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं और इसको लेकर के लगातार जो भी जानकारी आएगी सबसे पहले आपका अपना लोकप्रिय चैनल हरियाणा न्यूज आपके साथ साझा करेगा। फिलहाल के लिए बस उतना ही।